पार्ट 11 में हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात कर ली थी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन थोड़ा सा और देख लेते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग जो है पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 264 टू 300 ए उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। आप लोग अपनी लक्ष्मीकांत खोल लीजिए जरा और उसमें आप वो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पार्ट खोलिए। Therefore, the law on the concurrent subject, though enacted by the parliament, is executed by the state except when the constitution of parliament directed otherwise. ये पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। कर लिया है? ठीक है, कर लिया अंडरलाइन? ये वाला पॉइंट अंडरलाइन करिए और जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैंने थोड़ा सा लाइन करवाया, इसको अंडरलाइन कर लिया आप लोगों ने, क्योंकि ये पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है। बाकी बातें तो आपको समझ में आती हैं कि चलो इस सेंटर का लिस्ट में है तो सेंटर का इंप्लीमेंट करवा लेगा, स्टेट लिस्ट में स्टेट इंप्लीमेंट करवा लेगा, कंकरेंट लिस्ट में इंप्लीमेंट कौन करवाएगा? तो कंकरेंट लिस्ट में इंप्लीमेंट करवाने का काम जो है, एग्जीक्यूशन का जो काम है वो स्टेट का है। किसका है? कानून बना देगा सेंटर कंकरेंट लिस्ट में मान लो, या स्टेट बना ले कुछ भी, लेकिन इसमें जो इंप्लीमेंट कराने का काम है कंकरेंट लिस्ट को वो है स्टेट का। लेकिन जहां कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली मेंशन कर देगा कि नहीं यहां पे सेंटर कराएगा इंप्लीमेंट, तब वो कराएगा। अदरवाइज जो है ज्यादातर जो नॉर्मल सिचुएशन है कि कंकरेंट लिस्ट में जो कि चाहे पार्लियामेंट ने ही कानून क्यों ना बनाया हो, एग्जीक्यूशन की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट की है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? ये बहुत बारीकी है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। करा समझ में आया? रीता समझ में आया क्या कह रहा हूं? क्या कहा बताओ? यहां तक मैंने जो बताया वो बताया, क्या कहा मैंने बता नहीं पा रही। देखो ऐसा है कि यूनियन लिस्ट में लेजिस्लेशन का एक्सक्लूसिव पावर जो है वो सेंटर के पास है और उसमें इंप्लीमेंट करने का भी पावर यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी सेंटर के पास है। ठीक है, और स्टेट लिस्ट में स्टेट के पास पावर है एक्सक्लूसिवली उसको क्या नाम है लेजिस्लेट करने की, और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी स्टेट की है यानी स्टेट ही एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाएगा। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में दोनों की पावर है, स्टेट की भी पावर है और सेंटर की भी पावर है। ठीक है, लेकिन सेंटर जो है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, सेंटर चाहे कानून बनाए यानी पार्लियामेंट चाहे कानून बनाए कंकरेंट लिस्ट में, लेकिन एग्जीक्यूशन का जो जिम्मेदारी दी गई है वो किसको दी गई है? स्टेट को दी गई है, सिवाय इसके कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही मेंशन कर दे कि नहीं इसको सेंटर ही करवाएगा। गेटिंग? बात आई समझ में? लेकिन लक्ष्मीकांत, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात को ध्यान रखना, इसीलिए मैंने कहा कि अंडरलाइन कर लो। तो अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस पार्ट को हाईलाइट कर लीजिएगा ताकि बाद में भूलो नहीं। आज तो याद है फिर कल भूल जाओगे। उसके बाद में फिर देखिए, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड द सेंटर, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट एंड सेंटर, सेंटर का ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट एंड द सेंटर, सेंटर और स्टेट का ऑब्लिगेशन क्या है? अरे आवाज़ कम कर लो यार रियाज। ठीक है, क्या कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्लेस टू रिस्ट्रिक्शन, दो रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, ठीक है, ऑन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द पावर, ठीक है, ऑफ द स्टेट, स्टेट के ऊपर, इन ऑर्डर टू गिव एम्पल स्कोप टू द सेंटर फॉर एक्सरसाइजिंग इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन एन अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर। दस द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट इज टू बी एक्सरसाइज इन सच अ वे। दो चीजें याद रखिएगा, इसको मेंस में लिखने में भी काम आएगा, वैसे भी काम आएगा। एज टू इंश्योर द कंप्लायंस विद द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड एनी एग्जिस्टिंग लॉ व्हिच अप्लाइज इन द स्टेट। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है तो आप जो भी एग्जीक्यूशन करोगे, जो भी चीज करोगे, उसको इसको ध्यान में रखे करोगे कि आपने मतलब आप उससे कहीं टक्कर ना हो जाए। तो इसलिए आप अपना एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज तो करेगा स्टेट, लेकिन इस बात को ध्यान में कि सेंटर के लॉ से वो कंप्लाई कर रहा हो, सेंटर यानी पार्लियामेंट के लॉ से कंप्लाई करे, उसके खिलाफ ना जाए। ठीक है ना, समझ में आई बात? या कोई और लॉ जो स्टेट के अंदर अप्लाई हो रहा हो। दूसरा बोला है एज नॉट टू इम्पेड और प्रिजुडिस द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर इन द स्टेट वाइल द फार्मर ले डाउन अ जनरल ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट। The latter impose a specific obligation on the state not to hamper the executive power of the state. क्या समझ में आता of the center? क्या समझ में आता है कि मतलब इससे क्या समझ में आया? अच्छा इस लाइन को जरा बताओ, क्या समझ में आया तुम्हें? ठीक है, इसमें क्या है कि हाँ वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो एक बात तो ये करे कि वो जो भी कानून पार्लियामेंट के हैं एग्जिस्टिंग लॉज जो है स्टेट के उससे कंप्लाई करे, ये नहीं कि वो उसके खिलाफ कोई काम करे। दूसरा, वो जब अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करे तो इस बात को ध्यान में रख के करे कि किसी भी तरीके से उसका टकराव या प्रिजुडाइस ना करे, यानी
ये ना सोचे कि स्टेट सेंटर का लॉ गड़बड़ है या सेंटर के लॉ को ओवरलैप करने की कोशिश ना करे या उसको प्रिजुडाइज करने की कोशिश ना करे, उसके उसको मतलब उसके लॉ को डिमीन करने की कोशिश ना करे। एक तो ये बात भी होगी, देखो तो एक होता है हाँ ठीक है रहने तो लॉ लेकिन हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो ये प्रिजुडाइज करना हो जाता है। अब इसमें यह कह रहा है कि जब आप कंप्लायंस की बात करते हो, देखो दो पॉइंट दे रखे हैं पॉइंट ए में के अंदर, दो बातें, एक कंप्लायंस की बात करी हुई है, ठीक है, कंप्लायंस कह रहा है ना कि टू इंश्योर द कंप्लायंस विद द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और एनी एग्जिस्टिंग लॉ विच अप्लाई इन द स्टेट, और कोई एग्जिस्टिंग लॉ जो अप्लाई होता है। तो पहले वाले को कह रहा है यानी फार्मर ले डाउन द जनरल ऑब्लिगेशन, वो जनरल ऑब्लिगेशन है कि आपको इस सेंटर के साथ कंप्लाई करना है, ये जो फॉर्मर बात है, तो ये जनरल ऑब्लिगेशन है कि आपको सेंटर के लॉ से कंप्लायंस करना है, ठीक है ना, स्टेट के ऊपर ये जनरल ऑब्लिगेशन है। दूसरा जो दूसरा वाला पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है, एग्जिस्टिंग लॉ को स्टेट में अप्लाई करने वाली जो बात है वो लेटर वाली बात है। तो लेटर कहता है, इम्पोज करता है स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, कि स्टेट जो है वो सेंटर की पावर को हैम्पर ना कर सके, ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, कोई एग्जिस्टिंग लॉ है, ठीक है, कोई एग्जिस्टिंग लॉ है जो कि काम कर रहा है, जो इम्प्लीमेंट हो रहा है स्टेट के अंदर लागू है, तो उसको किसी तरह से वो दबाने की या हैम्पर करने की कोशिश ना करे, जिससे कि सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो हैम्पर हो जाए, ऐसा नहीं करे। यानी स्टेट जो है हमेशा ये तो उसके खिलाफ भी नहीं जाएगी, उसके कंप्लायंस में काम करेगी, दोनों बातें हैं, एक तो उसके कंप्लायंस में काम करेगी, दूसरा उसको हैम्पर नहीं करेगी, उसको प्रिजुडाइज नहीं करेगी, ये ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर कि सेंटर के साथ कंप्लाई होकर चले। तो ये बात है इसके अंदर, समझ में आ गई बात, कि जनरल ऑब्लिगेशन यह है कि स्टेट विल स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो क्या करेगा, जनरल के साथ वो उसके साथ सेंटर के साथ कंप्लाई करना, ये इसकी जनरल ऑब्लिगेशन है। स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन है कि अगर कोई स्पेशल लॉ, कोई स्पेसिफिक लॉ अगर स्टेट के अंदर लागू है सेंटर का, तो उसको प्रिजुडाइस या हैम्पर नहीं करना है, उसको ऐसे काम करना है कि उसके साथ मतलब उसको काउंटर ना करे। कंप्लाई करना और काउंटर करना दो अलग बातें होती है, देखो ऐसे समझो कि कंप्लाई करना मैंने जो कहा वो फॉलो करना, एक होता है कि नहीं फॉलो कर रहे, ये बीच का रास्ता हो गया ना, और एक हो गया काउंटर कर दिया, तो जो उल्टी बात हो गई ना, तुमने उल्टा ही कर दिया। एक होता है कि भाई एक बंदा आपका साथ दे रहा है, एक बंदा चुप है, नहीं साथ दे रहा, नहीं साथ दे रहा है, नहीं भेज जा रहा है, एक होता है काउंटर कर दिया, काउंटर कर दिया तो स्पेसिफिक हो गया ना, तो ये वाली चीज है। तो इस तरह से सिंपल वर्ड्स में समझो, ठीक है, तो ये कुछ चीजें, उसके बाद देखें नुकसान नहीं पहुंचाना ही नहीं है, देखो नुकसान क्या पहुंचाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाना है, हाँ मतलब कह सकती हूँ नुकसान नहीं पहुंचाना है, मतलब मेन ये है कि उसको इन्वेड नहीं करना है, उसको हैम्पर नहीं करना है। जैसे तुम जैसे कभी कभी करती हो ना कि मेरी बात पे अपनी बात रख देती हो,
ठीक है ना, तो ये तुम करती हो प्रिजुडाइस या इम्पेड करती हो, ठीक है ना, मेरी बात पे अपनी बात नहीं लानी है, जहां मेरी बात आपकी बात खत्म हो गई, हर्फ आखिर, समझ आ गई। एक तो मैंने कहा, एक तो तुम ये ऐसे कर सकते हो कि मैंने कहा ये करना है समा, तो तुमने उसको करना ही करना है, मैं सेंटर हो गया तुम स्टेट हो गई, तो ये जनरल हो गया, ठीक है, और मैं ये जनरल ऑब्लिगेशन है। स्पेसिफिकली मैं क्यों नहीं इंस्ट्रक्शन दिया कि सारी फाइलें जो है ऑफिस में ठीक जगह पे होनी चाहिए, तुमने कहा मैं नहीं रखूंगी, ठीक है, मैंने कहा कि क्या नाम है लोगों की इंक्वायरी कोई आए तो उसकी एंट्री कर लिया करो, मैं ये मेरा काम नहीं है, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन था जो तुमने काउंटर किया। बात आ गई समझे, अब बहुत अच्छे समझ में आया होगा, प्रैक्टिकल है ना। ठीक है, नहीं तो वो नहीं, ये नहीं, वो दुलार भी अलग चीज होती है, एक होता है नहीं मैं तो मतलब मैं प्रिंसिपल हूं तो मैं क्यों चपरासी वाला काम करूंगी, ये तुम्हारा काउंटर है, जबकि मैंने आदेश दे दिया तो तुम्हें करना चाहिए। नदीम अब समझ में आया ना, उसको और रिदा समझ में आया, नहीं रिदा इनको समा को इसलिए समझ में आ गया होगा कि समा के साथ रियल लाइफ इंसिडेंट हो गया अभी। चलो ये आईसी इज नॉट कंप्लाइंग विद द सेंटर, कई बार ऐसा करती है ये, ठीक है ना। अब देखो इसमें, इन बोथ द केसेस एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर एक्सटेंड टू गिव द सच डायरेक्शन टू द स्टेट नेसेसरी फॉर दिस पर्पज। अच्छा एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, तो अब मतलब सैंक्शन की भी बात आ जाए ना, क्या नदीम, जैसे मान लीजिए कि सेंटर ने कोई सेंटर को कंप्लाई नहीं कर रहा है स्टेट, ठीक है ना, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा है, इस सेंटर जो है को कंप्लाई नहीं कर रहा है स्टेट, एक बात हो गई, या उसको प्रिजुडाइज करने की कोशिश कर रहा है, दोनों में से कोई, यानी जनरल या स्पेसिफिक कोई भी ऑब्लिगेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, तो क्या होगा नदीम, पता है क्या होगा, सैंक्शन तो होगा लेकिन क्या क्या होगा नदीम बताओ, तब आएगा आर्टिकल 365 पिक्चर में, ठीक है ना नदीम, 365 पढ़ा है तुमने पहले, सुना है कभी, क्या है बताओ। अच्छा स्टेट इमरजेंसी पता है दो ग्राउंड पे लगती है, आपको पता है स्टेट इमरजेंसी दो आर्टिकल के तहत लगाई जा सकती है, एक आर्टिकल 356 के तहत लगाई जा सकती है और एक 365 के तहत लगाई जा सकती है, बात आ रही समझे, हाँ ये स्टेट इमरजेंसी होती है, तो अगर सेंटर देखो लेकिन दोनों का फर्क है, ठीक है दोनों में ये स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, इसमें दोनों में फर्क है, इसको बात को बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए जब स्टेट की मशीनरी फेल हो जाए, स्टेट में इलेक्शन ना हो पाए सही से कुछ ना हो जाए, तो आर्टिकल 356 स्टेट मशीनरी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में फेल हो रही है तो उस केस में 356 के तहत लगेगा, और ये पार्ट जो है ये आर्टिकल थ्री, ये जो पार्ट जो है आपका इमरजेंसी वाला पार्ट कौन सा है, 352 से लेकर और 360 तक कौन सा पार्ट है बोलो भाई, पार्ट 18, ठीक है तो ये पार्ट 18 ही है ना, है तो ये इमरजेंसी के बारे में बात करता है, 352 से लेकर 360 तक, अभी आगे हम बात करेंगे, तो यहाँ पे ये 356 जो है इसके बीच में लाई करता है, यानी इमरजेंसी की बात है, ये 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 356 स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं उसको, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, ये पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तीन आर्टिकल ये है। अब ये जो आर्टिकल 356 है ये तो इमरजेंसी वाले में आ रहा है, ये 365 जो है ये इमरजेंसी से बाहर है, लेकिन ये इमरजेंसी से बाहर है यानी कि लेकिन फिर भी जहां ये 365 के बेसिस पर इमरजेंसी लगाई जाती है, तो इमरजेंसी लगाने के दो ग्राउंड हैं, एक तो कौन सा है आपका, एक तो पार्ट आपका 18 के तहत 356 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है, लेकिन दूसरी इमरजेंसी जो लगाई जाती है वो किसके तहत लगाई जाती है, आपका आर्टिकल 365 के तहत, कौन किसके तहत लगाई जाती है, 365 के तहत। अब 365 कौन सा, अच्छा 365 कौन से पार्ट में फॉल करता है पता है ना, 365 मिसलेनियस वाले पार्ट में फॉल करता है, पार्ट 19 के अंदर मिसलेनियस वाले पार्ट में फॉल करता है ना, तो मिसलेनियस यानी बचा खुचा जो कुछ मिसलेनियस मिला जुला जो प्रोविजन है वो ये पार्ट आपका 19 के अंदर है,
ठीक है, पार्ट 19 के अंदर है। इसके अंदर आर्टिकल 365 भी है एक, जो कि इमरजेंसी के परव्यू से बाहर है, लेकिन इसके बेसिस पर इमरजेंसी लगती है। वो कब लगती है? जब स्टेट इज नॉट कम्प्लाइंग विद द सेंटर, क्योंकि जनरल ऑब्लिगेशन एंड स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन स्टेट का ये है कि वो कम्प्लाई करे किसके साथ, सेंटर के साथ। इफ यू आर नॉट कम्प्लाइंग विद द सेंटर, तो यहाँ पे आर्टिकल 365 पिक्चर में आ जाएगा, और आर्टिकल 365 कहेगा कि भैया ठीक है, जब तुम्हें हमारी बात ही नहीं माननी है, मतलब स्टेट इतना पावरफुल बनने की कोशिश कर रहा है कि सेंटर की बात नहीं मान रहा, अपनी चलाने की कोशिश कर रहा है, इफ स्टेट इज नॉट कम्प्लाइंग विद द सेंटर या स्टेट इज फेल टू कम्प्लाई विद द सेंटर, अगर कम्प्लाई नहीं कर रहा है, तो आर्टिकल 356 के बेसिस पर प्रेसिडेंट जो है वहां पे स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है। गेटिंग, या इसको स्टेट इमरजेंसी, तो 365 जो है यहाँ पे सैंक्शन लगेगा, सेंटर जो है कोरिसिव नेचर अपना दिखाएगा, गुस्सा दिखाएगा, और उसके बाद में 365 के तहत क्या करेगा वहाँ पे, क्योंकि आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो स्टेट के साथ, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल का डायरेक्शन आ जाएगा कि अब आप हटो यहाँ से, और सारा काम जो है अब सेंटर देखेगा, तुम बात ही नहीं मान रहे, तुम कंप्लाई नहीं कर रहे, तो अब प्रेसिडेंट रूल लगेगा। और यहाँ पे जो है ये कौन सा ग्राउंड है, इफ स्टेट इज नॉट कंप्लाइंग विद द सेंटर, तो जरूरी है कि आप स्टेट की बात को सुने और कंप्लाई को, सेंटर की बात को सुने, सेंटर इज पावरफुल, नहीं तो सेंटर अपने कौन से नेचर में आ जाएगा, क्वेर्सिव नेचर में आ जाएगा, ठीक है ना, क्वेर्सिव नेचर, जब वो अपना फोर्स दिखाएगा, जब अपना गुस्सा दिखाएगा, तब जब गुस्सा दिखाएगा फिर आप रोओगे बैठ के कि ऐसा है वैसा है, ठीक है, मम्मी को बुलाओगे, समझ में आई बात। तो सेंटर की बात मानना जरूरी है, सेंटर की बात मानना जरूरी है। यहाँ पे सेंटर है शाबान अली और स्टेट है समा परवीन, नहीं तो इमरजेंसी लग जाएगी। कौन सी है? और स्टेट हमारा है, हमारा स्कूल का मैटर, स्कूल हमारा स्टेट है। अगर स्कूल में देखा जाए तो सेंटर मैं हो गया, स्टेट समा हो गई। इफ स्टेट सेंटर इज नॉट कम्प्लाइंग विद द सेंटर इन द मैटर ऑफ स्कूल, ठीक है, इफ स्टेट इज नॉट कम्प्लाइंग विद द सेंटर, सी वुड बी, कहानी खत्म यहाँ से। और इसके बाद में क्या होगा, सेंटर इमरजेंसी लगा देगा और सेंटर जो है खुद सारा कंट्रोल ले लेगा अपना। गेटिंग, या अपने एजेंट के थ्रू काम करेगा, क्या बात समझ में आ गई। ये नहीं है कि हमेशा के लिए होता है ऐसा, लेकिन स्टेट इमरजेंसी मैक्सिमम 3 साल के लिए लगाई जा सकती है, पता है, हमेशा के लिए नहीं होती है, लेकिन कुछ देर के लिए सैंक्शन लगाया जा सकता है, समझ रहे हो बात को। समझ में आया, कौन आदमी, अच्छा ठीक है, सेंटर स्टेट की नहीं, सेंटर की बात अगर स्टेट ना माने तो ये सब चलेगा। सेंटर डायरेक्शन टू द स्टेट, इन एडिशन टू द अबव टू केसेस, द सेंटर इज एम्पावर्ड टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट विद रिगार्ड टू द एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे ध्यान रखिए कि सेंटर जो है, ठीक है, वो एम्पावर करता है स्टेट को, ठीक है, सेंटर इज एम्पावर्ड टू गिव डायरेक्शन, किसमें डायरेक्शन देने में एम्पावर्ड है सेंटर, को कौन एम्पावर करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, और कौन करेगा, एम्पावर विद रिगार्ड टू द एग्जीक्यूटिव पावर, किन किन डायरेक्शन में स्टेट ले सकता है, ये सेंटर दे सकता है उसको, यानी पावर, सेंटर इज एम्पावर टू गिव डायरेक्शन, वो डायरेक्शन देगा कि आपको अपनी एग्जीक्यूटिव पावर कैसे करनी है, तो उसमें मतलब जो सेंटर कानून कहेगा, सेंटर जो इंस्ट्रक्शन देगा, उसी से स्टेट को कंप्लाई करना पड़ेगा। इसमें इस डायरेक्शन कहाँ से आएगा, सेंटर से आएगा, इस बात को याद रखिएगा। पहला कौन कौन से पॉइंट है ये दे रखा है, पहला द कंस्ट्रक्शन द मेंटेनेंस ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, डिक्लेयर्ड टू द नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस बाय द कंट्री। अगर कोई स्टेट है और वहाँ पे नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस के लिए कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश करना है, तो सेंटर जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देगा स्टेट को, उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा द मैटर टेकन टू द प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवे, रेलवे वगैरह के प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई मैटर है तो उसको भी, जैसे इस सेंटर का रेलवे चल रहा है स्टेट के अंदर भी जा रहा है, तो वो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए अगर वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो मानना पड़ेगा आपको स्टेट को। द प्रोविजन एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन इन द
चिल्ड्रन बिलोंग टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफ अ ग्रुप, अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं और सेंटर उसमें इंस्ट्रक्शन देगा कि देखो उनकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, उनको अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, तो मदर टंग में अगर वो पढ़ाई करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दिया है सेंटर ने, तो स्टेट को कंप्लाई करना पड़ेगा, उस मदर टंग में पढ़वाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा यह है कि अगर कोई स्पेसिफिक स्कीम चलाई जा रही है वेलफेयर स्कीम शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के लिए, तो उसमें भी, और अगर नहीं तो कोएर्सिव सैंक्शन बिहाइंड द सेंटर डायरेक्शन अंडर आर्टिकल 365, ये आपको पहले बताया, अगर इनमें से कंप्लाई नहीं करता है तो आर्टिकल 365 आ जाएगा पिक्चर में, और आर्टिकल 365 आएगा तो क्या हो जाएगा, एमरजेंसी लग जाएगी। तो एक बात आप भी हमेशा ध्यान रखिए, जो उसने कहा था कि सोवरेन, किसने कहा था ये बात कि सोवरेन अगर सेंटर को आप मानते हैं तो उसके अंदर कमांड ड्यूटी, यानी अगर वो कमांड देता है तो सामने वाले की ड्यू, और अगर कंप्लाई ना करे तो सैंक्शन करने की पावर होनी चाहिए, अगर सैंक्शन करने की पावर नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी तो वो सॉवरेन नहीं होगा। गेटिंग, ठीक है ना। अब वही है कि आप धमकी देते हो मैं ये करूंगा वो करूंगा और आप आपका कोई सुनता नहीं है, तो सुनता ठीक है ना, उसको इंप्लीमेंट करो फिर उसको लागू करो। अगर आप उसको पता है कि मुझे सैंक्शन नहीं होगा, मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी, तो जाहिर सी बात है आपको कंप्लाई कभी कोई करेगा ही नहीं, सेंटर क्यों कंप्लाई, स्टेट क्यों कंप्लाई करेगा सेंटर को जब तक उसको ये नहीं रहेगा कि मुझे सजा मिल सकती है इस चीज की, है कि नहीं है। बोलो रिदा, हैं? देखो ये इसका सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल पता है क्या है रिदा, अभी लाइव एग्जांपल देखो, मोनी है, समा है, इनका जब मन करता है तब ये क्लास करती है, जब मन करता है तब नहीं करती है, क्यों क्यों नहीं करती हैं, उसके पता क्या है, उनको कोई सैंक्शन नहीं है। तुम्हारे ऊपर सैंक्शन कई तरह के हैं, एक तो तुम लोग फीस दे रहे हो तो उसका सैंक्शन, मतलब एक इकोनॉमिक सैंक्शन तुम्हारे घर वालों से भी पड़ेगा कि तुम फीस भी दे रहे हो क्लास भी नहीं कर रहे, इतने बदतमीज हो, तो सैंक्शन तुम्हारे ऊपर है। फिर से मैं भी डांटूंगा कि तुम फीस देकर नहीं पढ़ रहे हो। ये इन लोगों का क्या है, इनके घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हाल है, तो इनका जब मन करता है तब ये क्लास करते हैं, जब मन नहीं करता है तब नहीं। हाँ वो ठीक है, लेकिन मोनी का ये एक ऐसा है कि मोनी एक दिन पढ़ती हैं तो अगले दिन सोचती हैं कि मैं ना पढ़ूँ, बहुत कुछ समझ नहीं आएगा, मेहनत कितना करने से क्या फ़ायदा, तो उनका मतलब अपना नेचर है। तो कुल मिलाकर ये है ना कि सैंक्शन वाला डर नहीं है, सैंक्शन वाला भी डर हो ना कि डंडा उठा के पीटी जाएंगी या क्या नाम है पैसा लगेगा या किसी तरह का डर हो, तो अपने आप कंप्लाई करे आदमी, समझ रहे हो ना बात को। तो ये बेसिकली यही है कि सैंक्शन जरूरी है, अगर सैंक्शन, ये आर्टिकल 365 इज अ सैंक्शन, गेटिंग, सैंक्शन मतलब ये सैंक्शन के तौर पे है कि अगर तुमने कंप्लाई नहीं किया, सेंटर की बात नहीं मानी, तो भाई ये जाहिर सी बात है, अगर ये पावर नहीं देते आर्टिकल 356 वाला, 365 वाला, तो क्या नाम है, स्टेट कंप्लाई नहीं करता सेंटर को, कभी बात ही नहीं मानता उसकी, ठीक है ना। आप कहते रहो जैसे हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को बहुत ध्यान रखा हुआ है कि अगर पावर दे रहा है, राइट दे रहा है, तो उसमें वो सैंक्शन की भी पावर दे रहा है, नहीं करोगे तो डंडा पड़ेगा। जैसे अब इसको कोई सैंक्शन की पावर डर नहीं था तो मेरा फ्रिज कटवा दिया चूहों से, वो भी खुद नहीं काट पाई तो चूहों से कटवाया, क्योंकि सैंक्शन का डर नहीं था सर, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मारेंगे थोड़ी ना। तो म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन, आज सबके ऊपर एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, ठीक है, म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन। अब देखें, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज रिजिड, कंसिक्वेंटली द सेंटर बिलोंग कैन नॉट डेलीगेट इट्स लेजिस्लेटिव पावर टू द स्टेट एंड अ सिंगल स्टेट कैन नॉट रिक्वेस्ट द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट। इस बात को भी थोड़ा सा रट्टा मार लीजिए और समझ भी लीजिए कि सेंटर कैन नॉट डेलीगेट इट्स लेजिस्लेटिव पावर टू द स्टेट एंड सिंगल स्टेट कैन नॉट रिक्वेस्ट द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि सेंटर इन्वेड नहीं करेगा, मतलब पहली बात तो यह है कि अपनी पावर को डेलीगेट नहीं करेगा, यानी सेंटर की जो पावर है वो सेंटर ही उसको एक्सरसाइज करे तो बेहतर है, ठीक है, स्टेट को वो डेलीगेट नहीं करेगा कि जाओ तुम कर लो, ठीक है, इस बात समझ में आ गई। जो सेंटर की पावर है लेजिस्लेट करने की वो सेंटर ही करेगा, स्टेट को डेलीगेट नहीं करेगा, क्योंकि स्टेट को अगर उसने डेलीगेट किया, दे दिया पावर, तो स्टेट हो सकता है उसमें गड़बड़ करे। दूसरी बात यह है कि सेंटर स्टेट लिस्ट में कानून बना सकता है, ये आपको पता है, लेकिन सिंगल स्टेट के कहने पर नहीं बनाएगा, जब एक दो या दो से ज़्यादा स्टेट या ग्रुप ऑफ स्टेट कहते हैं तभी सेंटर स्टेट लिस्ट में कानून बनाएगा। बात समझ में आ गई, यानी दोनों को वो दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर, हाँ? क्या ग्रुप ऑफ स्टेट को यूनियन बोलते हैं, ये क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कुछ,
ग्रुप ऑफ स्टेट जब इंडिया बन जाएगा तब वो यूनियन बन जाएगा, ग्रुप ऑफ स्टेट मिलकर इंडिया बनता है ना तब यूनियन बन जाएगा, दो चार ग्रुप मिलकर यूनियन नहीं बना बन जाएंगे। हैं पागल वाली बात, दो चार स्टेट मिलके मतलब स्टेट रहेंगे, दो चार स्टेट का ग्रुप ऑफ टू और थ्री स्टेट्स और फाइव ऑफ टेन स्टेट, यूनियन ऑफ इंडिया मतलब सब कुछ, यूनियन टेरिटरी स्टेट और सब मिलकर तब यूनियन ऑफ इंडिया बनेंगे, ठीक है ना। तो अभी यूनियन का मतलब सेंटर समझो तुम, बस इतनी बात समझो, इतनी बात नहीं समझ में आ रही कि यूनियन का मतलब सेंटर बोल रहा हूँ, इसीलिए उसमें मैं डिफरेंस पे बात नहीं कर रहा था क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। यूनियन का मतलब सेंटर, इतनी बात समझ में आई? हाँ, तो यूनियन का जब भी बोलूँ या सेंटर बोलूँ यूनियन का मतलब सेंटर समझो तुम, बस बाकी और दिमाग अभी ना लगाओ। यूनियन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। भेजे में कुछ है नहीं, फालतू तो दिमाग लगाती हैं। दो तीन ग्रुप मिला के सेंटर यूनियन बना देंगे और उसको फिर इंडिया से लड़वाएंगी, बेवकूफी। ठीक बात, अरे तो इतना बेवकूफी भरा क्वेश्चन पूछोगी, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। प्रिंसिपल आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज आ रही है? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंटर गवर्नमेंटल डेलीगेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शन इन ऑर्डर टू मिटिगेट द रिजिड एंड अवॉइड द सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। अकॉर्डिंगली द प्रेसिडेंट मे विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इंट्रस्ट टू दैट गवर्नमेंट एनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द सेंटर। ठीक है, कन्वर्सली द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट मे विद द कंसेंट ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट इंट्रस्ट टू दैट गवर्नमेंट any of the executive function of the state, the mutual delegation of the administrative function may be conditional or unconditional। तो यहाँ पे आपको एक बात बहुत ध्यान रखना है कि जो legislation है वो rigid है, वो उसमें clear है कि मतलब कौन state legislate कहाँ करेगा, लेकिन executive function में rigid नहीं है, rigidity नहीं है, उसमें delegation हो सकता है। क्योंकि execution में अगर हम executive function में अगर हम delegation नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है, rigid हो जाएगा तो function करना मुश्किल हो जाएगा। और मैंने आपको बता भी दिया ये बात कि जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज वाले अगर आप पढ़ोगे तो वो ऑल इंडिया सर्विस सेंटर वाले रिक्रूट करवा रहे हैं लेकिन भेज कहाँ रहे हैं, स्टेट लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने, ठीक है ना। ठीक है, द प्रेसिडेंट मे विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इंट्रस्ट टू दैट गवर्नमेंट एनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द सेंटर। ठीक है ना, तो यहां पे ये हो सकता है स्टेट का अगर कंसेंट है तो वो वहां पे डेलीगेट कर सकता है। द गवर्नर ऑफ द स्टेट मे विद द कंसेंट ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट इंट्रस्ट टू दैट गवर्नमेंट एनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट। स्टेट का भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन यानी एक दूसरे को म्यूचुअली डेलीगेट कर सकते हैं, उसमें कंडीशन भी हो सकती है और अनकंडीशनल भी हो सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक ऑल्सो मेक a provision for the entrustment of the executive function of the center to the state without consent of that state, but in case the delegation is by the parliament and not by the president, thus the law made by the parliament on the subject of union list can confer power and impose duties on the state or authorities to conferring the power and imposing the duty by the center upon the state irrespective of the consent of the state concerned, notably the same thing cannot be done by the state legislature। From the above, it is clear that the mutual delegation of the function between the center and the state can take place either under the agreement or by a legislation, while the center can use both method and state can you only use first method। अब ये वाला बड़ा जबरदस्त बात है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि थोड़ा अगर आप लोगों को समझ में कुछ आया हो पढ़ा पढ़ने से तो बताओ। इसमें क्या है कि मतलब ये है कि म्यूचुअल डेलीगेशन में प्रेसिडेंट जो है यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोविजन बना सकता है कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द सेंटर टू द स्टेट विदाउट द, अगर कोई मतलब एंट्रस्ट कर सकता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन का यानी इस सेंटर का जो फंक्शन है उसको स्टेट के ऊपर बिना कंसेंट के भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। अगर मान लीजिए सेंटर स्टेट कंसेंट नहीं दे रहा है और पार्लियामेंट कह रहा है कि नहीं सेंटर की ये मशीनरी जो है स्टेट के अंदर काम करेगी, जैसे मान लो एनआईए है एक मशीनरी है, एनआईए सेंटर की मशीनरी है, उसको स्टेट के अंदर कानून काम करना है और स्टेट परमिशन नहीं दे रहा है, सीबीआई है सेंटर मशीनरी है उसको स्टेट के अंदर काम करना है, या ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अब वो जो है काम करना चाह उसको स्टेट के अंदर काम करना है लेकिन क्या नाम है ये काम जो है स्टेट परमिशन नहीं दे रहा है काम करने का, तो यहाँ पे जबरदस्ती भी किया जा सकता है यानी विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट भी किया जा सकता है, बशर्ते यह है कि पार्लियामेंट ये डेलीगेशन देगा, प्रेसिडेंट नहीं देगा।
प्रेजेंस देने का मतलब यह कि प्राइम मिनिस्टर नहीं भेजेगा, उसको पार्लियामेंट से कंसल्ट लेना पड़ेगा कि सर मुझे ये काम वहाँ से करवाना है, ये अथॉरिटी आप दिलवाइए मुझे स्टेट में और मैं इस एजेंसी से अपने काम करवाऊंगा। पार्लियामेंट अगर कहता है कि हाँ करवा सकते हो तो करवा सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर अपने मन से, तो फिर सेंटर मिल गया स्टेट के ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर डेली रेड होगा, वैसे भी हो जाता है ममता ममता, तब पार्लियामेंट से परमिशन की जरूरत होती है तो रुके रहते हैं ये लोग। अभी पता चले सारी पावर अगर दे दी जाए तो डेली पता चले कोई इन्वेडिंग स्टेट में अपनी गवर्नमेंट नहीं है बीजेपी की ना, वहाँ सेंटर वाले अपनी मशीनरी पहुँचाए रहे हैं, हर वक्त अपने उनको छोड़े रहे, वैसे भी छोड़े रहते हैं, जैसे थोड़ा बहुत इसी नाम पर सीबीआई वगैरह है, इन सबके नाम पर ही मार इंप्लीमेंट किए रहते हैं। अभी अगर ज़्यादा पावर दे देंगे कि बिना पार्लियामेंट के परमिशन के, तो पार्लियामेंट का उनको परमिशन मिला हुआ है कि ऐसे ऐसे मतलब जरूरत पड़े तो कर सकते हैं, नहीं तो पता चले बिना पार्लियामेंट से परमिशन लिए हर स्टेट को, जहाँ भी केरला वेरला जहाँ भी इनकी सरकार नहीं है वहाँ तो उन लोगों की लंका लगा के रखते हैं, वैसे भी रखते हैं काफी हद तक। गेटिंग, समझ रही हो बात को? हाँ क्या, आप ये लिखोगे कि स्टेट और सेंटर दोनों की पावर अलग अलग है और दोनों अपने स्फीयर में पावरफुल हैं, लेकिन कहीं पे जरूरत पड़ेगी मतलब सेंटर को कि उसको नेसेसिटी है कि उसको स्टेट में इंप्लीमेंट करवाना है, लेकिन वो नेसेसिटी प्रेसिडेंट नहीं डिसाइड करेगा क्योंकि एग्जीक्यूटिव कैन नॉट डिसाइड दैट नेसेसिटी, दैट नेसेसिटी इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, बिकॉज पार्लियामेंट विल मेक लॉ, बिकॉज पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, और उसके बाद डिसाइड करता करा जाता है कि अगर हमने इतनी पावर इनको दे दी स्टेट के ऊपर, इंटरेस्ट कर दिया इस फंक्शन को स्टेट के, तो ऐसा तो नहीं है कहीं कि ये स्टेट, ये क्या नाम है, अपनी मनमानी चलाएंगे सेंटर, स्टेट जो है सेंटर के ऊपर अपनी सेंटर स्टेट के ऊपर अपनी मनमानी चलाएगा और अपने हिसाब से तानाशाही चलाएगा, तो पार्लियामेंट में डिस्कशन हो सकता है। और प्रेसिडेंट का करने का मतलब यह है कि प्रेसिडेंट तो करने का मतलब प्राइम मिनिस्टर का करना, उसको जो लगेगा कि भाई प्राइम मिनिस्टर को मजा आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर को लग रहा है कि हमारी सरकार यहां नहीं है तो यहां पे परेशान करो सरकार को, तो पता चला अपनी कोई मशीनरी भेज दी और वहां तंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि क्या नाम है, इसमें स्टेट जो है कैन हैम्पर द स्टेट, स्टेट कैन हैम्पर द स्टेट, और स्टेट कैन सब्जुडाइज द सेंटर, कैन सब्जुडाइज द स्टेट, और सेंटर कैन जो है, सेंटर जो जो है वो क्या नाम है, पॉलिटिकल मोटिव के लिए सेंटर कैन क्या नाम है डिस्टर्ब द स्टेट, और कैन क्या नाम है फॉर इट्स पॉलिटिकल मोटिव या पॉलिटिकल गेन के लिए ही कैन यूज दैट पर्टिकुलर मशीनरी। समझ रहे हो ना, इस तरह से लिख सकते हो उसको। बात आई समझ में नदीम, समझ में आ रही बात? तो ये आसान सी बात है, लेकिन इसमें बात ये कि पार्लियामेंट से परमिशन, देखो कभी भी कोई चीज ऐसी होती है ना, क्योंकि सेंटर हमारे यहाँ दो तरह से गवर्नमेंट होती है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट दो तरीके से होती है, सेंटर होती है, स्टेट होती है। अब क्या होता है कि दिक्कत ये होती है, अगर हम प्रेसिडेंट को पावर दे दे तो यानी कि हमने पार्लियामेंट को, प्राइम मिनिस्टर को पावर दे दिया, और हमने एक तरह से प्राइम मिनिस्टर को ये पावर दे दी कि तुम स्टेट जहां तुम्हारी गवर्नमेंट नहीं है वहां भी तुम अपनी मनमानी चला लो, तो ये पार्लियामेंट की परमिशन के बिना नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में है दो हाउसेस, पार्लियामेंट में लोकसभा भी है राज्यसभा में भी है, तो लोकसभा में अगर मान लो इनकी मेजोरिटी है गवर्नमेंट बना रखी है तो राज्यसभा वाले रोकेंगे उस बात को, गेटिंग? तो वहां पे स्टेट, इसीलिए उसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, क्योंकि स्टेट अपने बंदों को भेज रखा है वहां पे स्टेट के और रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बंदे, तो बोलेंगे भाई आपकी ये बात सही नहीं है, आप सेंटर हमारे ऊपर इस तरह से हक नहीं जता सकता है। दो सेंटर को, स्टेट को सेंटर, मतलब स्टेट को सेंटर की बात को कंप्लाई करना है, उसको प्रेजुडाइज नहीं करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर मैटर में जो है सेंटर हर वक्त डिस्टर्ब किया रहेगा स्टेट को, गेटिंग? उसके लिए रिस्ट्रिक्शन भी है, अपने अपने स्फीयर में दोनों आजाद हैं, बस बट यह है कि सेंटर से आपको कंप्लाई करना है नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत है, गेटिंग? ओके, और सेंटर डेलीगेट कर सकता है या फोर्स कर सकता है, लेकिन स्टेट कैन नॉट फोर्स कि मैं तो अपने पीसीएस ऑफिसर को भेजूंगा तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करने के, स्टेट पुलिस जाएगी तुम्हारे सेंटर के ऊपर इन्वेस्टिगेट करके आएगी, ठीक है, तो वो नहीं कर सकती। ठीक है, सेंटर वाले कर सकते हैं क्योंकि सेंटर को पावरफुल रखना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन स्टेट वाले नहीं कर सकते नॉर्मली, ठीक है ना, बट ये है कि वहाँ पार्लियामेंट परमिशन दे दे तो कर सकते हैं। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट कैन नॉट टेक प्लेस, मतलब कैन टेक प्लेस आइदर अंडर द एग्रीमेंट, उन दोनों में एग्रीमेंट भी हो सकता है या फिर कोई पार्लियामेंट कानून बना दे, मान लो कि स्टेट और सेंटर एग्री कर जाए,
जैसे स्टेट ने कहा कि देखो भैया हमारी मशीनरी या हमारी पुलिस या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम इतना इफिशियंट नहीं है, आपको मेरे सेंटर से हेल्प चाहिए, तो ये एग्रीमेंट हो गया। स्टेट ने सेंटर ने हेल्प भिजवा दी, कोई वेलफेयर स्कीम इंप्लीमेंट करनी है, स्टेट को लग रहा है यार हमारे पास वो मशीनरी नहीं कि हम इंप्लीमेंट करवा सके, तो उसने सेंटर से हेल्प पाई, सेंटर वाले पहुंच गए वहां पे हेल्प करने के लिए, तो एग्रीमेंट के थ्रू हो सकता है। ठीक है, मतलब या वहां पे इंप्लीमेंट कराने पहुंच गए तो वो एग्रीमेंट के थ्रू हो सकता है, और कोई कानून बना दे पार्लियामेंट की भाई जाके कराओ तब भी कर सकते हैं। ठीक है ना, सेंटर दोनों मेथड यूज कर सकता है, स्टेट सिर्फ पहला मेथड यूज कर सकता है एग्रीमेंट वाला, और क्या नाम है ये लेजिस्लेशन नहीं कर सकता है। स्टेट लेजिस्लेट करके सेंटर के ऊपर कानून नहीं वो कर सकता कि भैया मैं कानून बना दे रहा हूँ कि कल से स्टेट पुलिस जाके सेंटर को इन्वेट करेगी, तो ऐसा स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता, लेकिन पार्लियामेंट कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। नहीं आई बात समझ में नदी, ओ रिदा समझ में आई है? नहीं आई समझ है? नहीं आ रही बात समझ? अच्छा, क्या मतलब पूरा सिनेरियो नहीं समझ पा रही हूं। तो ये पेज खोल लो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, इसमें देखो डिस्ट्रीब्यूशन पहला जो हेडिंग है उसमें है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, साफ क्लियर कर दिया है कि यूनियन लिस्ट में कानून बनाने का काम है यूनियन का, सेंटर का, तो अगर सेंटर का कानून बनाने का काम है तो उसको इंप्लीमेंट करने का भी काम सेंटर का है, सिंपल बता दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। स्टेट लिस्ट में स्टेट का काम है कानून बनाने का, तो स्टेट का इंप्लीमेंट करने का भी काम है, और इसमें बस ये हो सकता है कि स्टेट लिस्ट में कभी जरूरत पड़ती है तो उसमें जो है सेंटर भी कानून बना सकता है जरूरत पड़ने पर एक्सेप्शन सिचुएशन में, ये पहली बात क्लियर कर दी, और उस पर इंप्लीमेंट भी करवा सकता है। ठीक है ना, सिंपल। दूसरी बात ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट है, स्टेट को ऑब्लिगेशन है कि वो सेंटर को कंप्लाई करेगा, स्टेट को ऑब्लिगेशन है, इसपे जनरल ऑब्लिगेशन भी है और स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन भी है, यानी कुछ स्पेसिफिक अगर इंस्ट्रक्शन सेंटर देता है तो भी कंप्लाई करेगा और जनरल इंस्ट्रक्शन देता है तो भी कंप्लाई करेगा। उसके अलावा सेंटर का जो डायरेक्शन है स्टेट को कुछ मैटर पे सेंटर स्टेट को डायरेक्ट करेगा कि ऐसे करो तो वो ऐसा करेगा। ठीक है ना, उसके अलावा म्यूचुअल डेलीगेशन भी है, म्यूचुअल मतलब सेंटर स्टेट और स्टेट का म्यूचुअली एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को समझ कर भी डेलीगेशन कर सकते हैं कि मतलब ये कहे भाई सेंटर जो है वो स्टेट इसको स्टेट में एग्जीक्यूशन करवा ले और स्टेट सेंटर में एग्जीक्यूशन करवा ले, दोनों चीजें हैं। लेकिन इसमें फर्क ये है कि सेंटर जो है वो फोर्सफुली भी कर सकता है, कानून बना के भी कर सकता है, एग्रीमेंट से भी कर सकता है, स्टेट सिर्फ एग्रीमेंट से कर सकता है अपने बंदों को वहां पे एग्जीक्यूट कराना है, अगर सेंटर में कोई काम एग्जीक्यूट कराना है तो एग्रीमेंट होगा तो स्टेट करेगा, लेकिन सेंटर फोर्सफुली कानून बना के भी कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा दोनों में कॉपरेशन करना जरूरी है, वो कॉपरेशन कैसा हो सकता है, वो इंटर स्टेट अगर आपस में डिस्प्यूट है तो या कोई रिवर डिस्प्यूट है या वो, तो उसमें क्या नाम है कोऑपरेशन की बात होगी। उसके अलावा इंटर स्टेट काउंसिल बना के कोऑपरेशन करिए, एक दूसरे को हेल्प करिए, फेथ फुल फेथ रखना है, और पार्लियामेंट जो है वो कोई अथॉरिटी भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी भी बना सकता है इंटर स्टेट ट्रेड को एंड कॉमर्स के लिए। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई पहले मुझे बताओ, आप बताओ। नहीं आई विदा?